हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि आपको ये इंडिकेट किया है विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, ये आपको दिया गया है, एक फिगर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, दो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं, इनको देखते हुए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं एंड लीनियर पेयर्स एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए हमने बताया था, जब दो लाइन आप अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो वर्टिकली यानी कि अपोजिट एंगल कौन से हैं हमारे, देखिए ये जो दो लाइन है हमारे पास, लाइन का नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन है ए बी और सी डी, इन लाइन को देखते हुए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके आमने सामने के एंगल्स कौन से हैं वो आपको बताना है। जैसे कि 4 है, तो 4 के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 4 के अपोजिट एंगल क्या होगा, 4 है इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 4 के अपोजिट एंगल जो है ये कंप्लीट हो रहा है हमारा, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एरिया जो है इसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट है। इट मींस कि 1 प्लस 2 एंगल जो है वो इसके कौन से हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 4 का। इसी तरह से करेंगे 5 का या 3 का, 5 के अपोजिट है 3, 3 के अपोजिट है 5, तो हम इसका लिख सकते हैं कि एंगल 5 के अपोजिट क्या है, एंगल 3 है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, 4 के अपोजिट ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला, 5 के अपोजिट एंगल 3 है और एंगल 3 के अपोजिट 5 है। सो गाइज, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं। लीनियर पेयर के लिए आपको क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन दी गई होगी, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनते हैं किसी भी तरह से, तो वो सारे क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है, इस फिगर को देखना है आपको, और इसमें बताना है कि लीनियर एंगल्स कौन से हैं। तो लीनियर पेयर कौन से बनेंगे, दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन है ए बी और सी डी। तो ए बी लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल हैं, देखिए ए बी के ऊपर है एंगल 5 एंड एंगल 1। ठीक है, फिगर को ध्यान से रख देखना है कि ए बी के ऊपर है एंगल 5, तो एंगल 5 है और एंगल 1 है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी लाइन हमारी है सी डी, सी और डी के ऊपर कौन से एंगल हैं, 4 और 5 एंगल है। सिर्फ इसको देखो, बाकी के सारे हाइड करके देखते हैं, सी डी तो हमारे 4 और 5 ही एंगल हमें शो होते हैं। तो दूसरे एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, एंगल 4 और एंगल 5, तो ये हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर्स एंगल। सो गाइज, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। ये आपको बताना है कि क्या ये जो एंगल 1 और 2 हैं एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। ये आपको फिगर दी गई है, जेड शेप में फिगर है, एंगल 1 और 2 आपको बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि किन्हीं भी जो भी लाइन होती हैं, जो एंगल्स होते हैं, उनका कॉमन वर्टेक्स होगा एंड कॉमन आर्म्स होगी। अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब कि वो एडजेसेंट एंगल होंगे। बट यहाँ इस जेड फिगर में अगर देखते हैं तो ना ही तो इनका कोई भी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, 1 और 2 के कॉमन आर्म ये है, बट इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सो गाइज, ये जो इसका आंसर रहेगा कि एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नॉट कॉमन आर्म है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो इसका मतलब कि कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ नॉट कॉमन वर्टेक्स, सो दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक फिगर दी गई है, ये क्रॉस एक दूसरे में इंटरसेक्टिंग करते हुए लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं वो क्या बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये आपको बताना है कि ये जो एक्स वाई जेड दिए गए हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर आपको एक एंगल दिया गया है, मान लो ये वाला एंगल है 55 है, तो ये इसके सामने वाला जो एंगल होगा तो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर 55 है तो हमारा एक्स जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, एंगल 55 डिग्री होगा।
ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक्स की आ गई है, अब हमें निकालनी है वाई और जेड की। वाई और जेड के लिए अगर हम देखते हैं, अब हमें एक लाइन दिख रही है ए बी, हम इस लाइन को नाम देते हैं। अगर इस लाइन के ऊपर हमारे पास दो एंगल हैं 55 डिग्री एंड एंगल वाई, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ये नहीं पता क्या है, तो इसके लिए हमें पता है कि ए बी लाइन है और इसके अपोजिट ए बी जो लाइन है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब कि ये एक लीनियर पेयर्स हैं और लीनियर पेयर्स होते हैं उन एंगल्स का सम क्या होता है दोनों का 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि एक्स जो है 55 और वाई की जो वैल्यू आएगी उन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, और 180 डिग्री होना चाहिए तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इस एंगल का हम नाम दे देते हैं 55, मान लो 55 डिग्री है और प्लस वाई यानी कि लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं वाई की इजीली, कि यानी कि 180 में से माइनस कर देंगे 55 डिग्री, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स कि जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 125 डिग्री, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई, अब इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, जेड है। अगर ये 125 डिग्री है तो जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 125 डिग्री, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह दिया गया इसका सेकेंड पार्ट, देखिए ये फिगर दी गई है इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं आपको, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी दिए गए हैं नाम, ठीक है। ये वेरिएबल जो दिए गए हैं एक्स वाई जेड, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है कि ये कितने डिग्री के एंगल्स हैं। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि ये इनमें से कौन कौन से एंगल बनेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हमें से हो रही है यहाँ से, इसका कोई भी ये जो लाइन दिख रही है लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रही, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है। तो हमें दिख रहा है कि ए बी, नाम लिख लीजिए पहले, ए बी है और सी और डी, यानी कि ये कंप्लीट लाइन है और एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब कि इनके अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये भी पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी है और सी डी है। ये देखिए इस फिगर में हमें एक तो दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ए बी एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर के ऊपर कितना जो भी एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इट मीन्स कि ए बी के ऊपर जितने भी एंगल बने हुए हैं, कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, ऑन 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री, इसका मतलब इन सभी का कितने भी एंगल हो उन सभी का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस इन दोनों को सम करके करते हैं 65 डिग्री, 180 में से 65 माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। इट मीन्स कि x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 115 डिग्री, ठीक है। अब इसके अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइन, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और y के अपोजिट एंगल जो होगा यानी कि वाई के अपोजिट एंगल तो ये वाला कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल यानी कि वाई के अपोजिट हो जाएगा 115 प्लस 25, वाई इक्वल हो जाएगा 115 प्लस 25 डिग्री। तो इन दोनों को सम करते हैं तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे आ जाएगी 140 डिग्री। वाई की वैल्यू होगी, एक्स की होगी, अब हम निकालते हैं जेड की वैल्यू। जेड के अपोजिट ये देख लीजिए 40 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जेड की वैल्यू 40 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो गाइज ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करती हूँ गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे 12 तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।